Hello everyone. Hi, this is your trainer KB. Welcome back to my channel and you are watching your favorite English channel KB English 1. So we are on the way to speaking sentences and today we're gonna do the hashtag to speaking sentences. So right now we have loads of Hindi sentences over here and we got couple of keywords over here. So what we're gonna do it with the help of these keywords, we will be making the English of these Hindi sentences. And what guys you need to do it is like whatever the sentences which has been written in Hindi and the English of which I am going to make it, you need to remember, you need to learn it, you need to practice it, and you need to make couple of sentences, multiple sentences to make your English better and to feel confident about speaking part. So what are we waiting for? Let's commence the sentences in English. So we're going to start with the Hindi first and afterwards we'll be moving to the English one. So the first one, yaad rakhna tum hi tumhe padhna hai, yaad rakhna tumhe padhna hai. To yahan pe hamara phrase aaya yaad rakhna, yaad rakhne ke liye humne yahan pe phrase liya keep in mind. अब इसको कैसे बनाएंगे हम? Keep in mind, you need to study. Keep in mind, you need to study. याद रखना तुम्हें खाना है. Keep in mind, you need to eat. याद रखना तुम्हें होमवर्क करना है. Keep in mind, you need to complete your homework. So, जब भी याद रखने की बात आए, आपने क्या यूज़ करना है? Keep in mind. That would really going to help you. Let me proceed to the next one. यह question, तो मैं एक ही नज़र में समझ गया था. एक ही नज़र में, एक ही नज़र में. तो ये जो एक ही नज़र में आया, इसके लिए हम लोग जो कीवर्ड यूज़ करेंगे वो है ये, एट अ ग्लैंस. एट अ ग्लैंस यानी आई डिड अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन एट अ ग्लैंस. मैं एक ही नज़र में इस क्वेश्चन को मैंने सॉल्व कर दिया ऑरली. सो आई डिड सॉल्व दिस क्वेश्चन ऑरली एट अ ग्लैंस. और आप एक ही नज़र में आपने अपराधी को पकड़ लिया. यू डिड कैच द क्रिमिनल एट अ ग्लैंस. तो इस तरीके से आप भी वराइटीज़ ऑफ सेंटेंसेस बना सकते हो इफ़ यू हैव द पावर ऑफ दीज कीवर्ड्स एंड यू नो हाउ टू यूज़ दीज कीवर्ड्स. आगे चलते हैं. कुछ ही देर में मैं आपका काम कर दूंगा. तो यहाँ पे क्या है? कुछ ही देर में. यहाँ पे आता है इन अ मैटर ऑफ सेकेंड. सो इन अ मैटर ऑफ सेकेंड्स ओनली आई एम गोइंग टू डू योर वर्क. तो जब भी बात आएगी कुछ ही देर में तो हम किस कीवर्ड का यूज़ करेंगे? इन अ मैटर ऑफ सेकेंड्स, दिस वन. आगे बढ़ते हैं हम लोग. द नेक्स्ट वन विच वी हैव इज हम लोग सही सलामत घर पहुँच गए. तो यहाँ पे सही सलामत, हमारे पास फ्रेज आया सही सलामत. तो सही सलामत के लिए हमने यूज़ करना है सेफ एंड साउंड. सेफ एंड साउंड कैसे याद करेंगे? वी डिड रीच आवर होम सेफ एंड साउंड. वी डिड रीच आवर होम सेफ एंड साउंड. सो दिस इज़ द वे. लेट मी प्रोसीड टू द नेक्स्ट वन. एंड द नेक्स्ट वन विच वी हैव इज अब तक मेरा चैप्टर नंबर वन सिर्फ पूरा हुआ है. अब तक मेरा चैप्टर नंबर वन सिर्फ पूरा हुआ है. तो यहाँ पे जो टिलना वाली चीज़ है यानी अब तक, इसको जो आप लोग टिलना जानते हो, अभी एक और जान लो. यहाँ पे आता है सो फार. सो फार आई डिड कंप्लीट ओनली चैप्टर नंबर वन. सो फार से आप स्टार्ट करोगे और फिर एंड करोगे. तो आगे बढ़ते हैं. तुमने मुझे एकदम डरा दिया. एकदम डरा दिया. तो यहाँ पे क्या होता है? एकदम डरा दिया मतलब अचानक डरा दिया. तो इसके लिए हम बोल सकते हैं स्केयर हेल आउट ऑफ. Scare hell out of, यानी you did scare hell out of me. तो जिसको भी डराया, जैसे off है तो off के बाद आपने उस person को लगा देना है. तुमने मुझे एकदम डरा दिया. You did scare hell out of me. यानी यहाँ पर डराने के लिए अगर एकदम से कोई आपको डराता है तो scare hell out of का हम use कर सकते हैं. आगे बढ़ते हैं. मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ. यहाँ पर देखो, बात करना, बात करने की इंग्लिश क्या होगी? तो बात करने की इंग्लिश होगी यहाँ पे हैव अ वर्ड. सो आई वॉन्ट टू हैव अ वर्ड विथ यू. आई वॉन्ट टू हैव अ वर्ड रिगार्डिंग दिस और दैट. ओके, लेट मी प्रोसीड टू द नेक्स्ट वन. मैं दिन रात इंग्लिश पढ़ना
चाहता हूँ। तो यहाँ पे दिन रात, दिन रात के लिए हमारे पास कीवर्ड है डे इन डे आउट। आई वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश डे इन डे आउट। सो दिस इज द वे दैट यू विल बी यूजिंग दिस पर्टिकुलर सेंटेंस इन दैट वे। ओके, द नेक्स्ट विच वी हैव, मैं 2400 घंटे पढ़ता हूँ, यानी मैं रात दिन पढ़ता हूँ। तो जब हम ये कहें कि मैं रात दिन पढ़ता हूँ, मैं 2400 घंटे पढ़ता हूँ, तो उसके लिए हमारे पास है राउंड द क्लॉक, यानी रात दिन की इंग्लिश होगी राउंड द क्लॉक। और अगर हम दिन रात की बात करें तो डे इन डे आउट। नेक्स्ट वी हैव अचानक आज मुझे याद आया, अचानक दैट इज ऑल ऑफ सडन। सो यहाँ पे ऑल ऑफ सडन का हम यूज़ कर सकते हैं, आई डिड रिमेंबर ऑल ऑफ सडन, या आप ऑल ऑफ सडन से शुरू भी कर सकते हो, ऑल ऑफ सडन आई डिड रिमेंबर दिस। नेक्स्ट देर सवेर या कभी ना कभी, तो उसको मेरी ज़रूरत पड़ेगी। तो ये जो आया ना सेंटेंस आपका, ये वाला वर्ड देर सवेर कभी ना कभी, देर सवेर कभी ना कभी, इसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं सूनर और लेटर। सूनर और लेटर ही विल नीड मी, सूनर और लेटर ही विल नीड मी। सो दिस इज द वे दैट यू विल बी यूजिंग दिस सेंटेंस। नाउ नेक्स्ट वन, तुम्हारे दिस वन, अपनी बातें शॉर्ट में बोलो। अपनी जैसे कोई बहुत ज़्यादा बोल रहा था, हम कहते हैं ना कि अपनी बातें शॉर्ट में बोलो, तो इसके लिए हमारे पास फ्रेज है इन ए नटशेल। सो टॉक इन ए नटशेल, डिस्कस योर मैटर विद मी इन अ नटशेल। तो जब भी आप इन अ नटशेल का यूज़ करोगे, इसका मतलब हो जाता है इन शॉर्ट, यानी संक्षिप्त में। नेक्स्ट, मैं तुम्हारे, हाँ दिस वन, पहली बात यह है कि तुम्हारा कोई टाइम टेबल नहीं है। तो इसमें जो चीज़ आ गई हमारी वो है पहली बात। सो पहली बात के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, पहली बात के लिए हम यूज़ करेंगे इन द फर्स्ट प्लेस, इन द फर्स्ट प्लेस। तो हमारा सेंटेंस है कि पहली बात यह है कि तुम्हारा कोई टाइम टेबल नहीं है, तो हम ऐसे यूज़ कर रहे हैं इन द फर्स्ट प्लेस यू डोंट हैव एनी टाइम टेबल। सो इन द फर्स्ट प्लेस यू डोंट हैव एनी टाइम टेबल। सो गाइज, यू कैन मेक दीज सेंटेंस, यू कैन राइट दीज सेंटेंसेज, देन ओनली वुड बी एबल टू प्रैक्टिस अदर सेंटेंसेज एज वेल, एंड यू वुड बी एबल टू कंस्ट्रक्ट अदर सेंटेंसेज एज वेल। नेक्स्ट विच वी हैव इज, यह तो बहुत आसान है, यह तो बहुत आसान है। इसके लिए हमने यूज़ किया एज ईजी एज ए बी सी, यानी बहुत आसान की जब बात आती है तो हम लोग यूज़ करते हैं, क्योंकि ए बी सी आसान होती है, इसलिए एज ईजी एज ए बी सी। तो दिस इज़ एज ईजी एज ए बी सी, यू कैन यूज़ दिस वे। नेक्स्ट, मैं तुम्हारी किसी स्थिति में नहीं मदद करूँगा, किसी भी स्थिति में नहीं मदद करूँगा। तो यहाँ पे है किसी भी स्थिति में नहीं, जब ये नहीं के साथ एक पूरा वर्ड आपको मिलता है, किसी भी स्थिति में नहीं, तो इसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं इन नो केस। तो इन नो केस आई एम गोइंग टू हेल्प यू, आई एम गोइंग टू हेल्प यू इन नो केस। या तो आप स्टार्टिंग में इस वर्ड को रख लो, या तो आप लास्ट में रख लो, और इस तरीके से आप बना सकते हो। नेक्स्ट विच वी हैव, तुमसे मिलना मेरे लिए असंभव है। तो अर्लियर आप यूज़ करते थे कि यू नो मीटिंग यू इज़ इम्पॉसिबल, नाउ अब जो आपके पास फ्रेज आता है वो आता है आउट ऑफ द क्वेश्चन। सो मीटिंग यू इज़ फॉर मी आउट ऑफ क्वेश्चन, सो इट इज़ आउट ऑफ क्वेश्चन टू मीट यू, राइट। तो जब भी ये बात आए असंभव की, तो हम लोग यूज़ करेंगे आउट ऑफ द क्वेश्चन। नेक्स्ट नेक्स्ट वी हैव, दूर दूर से, दूर दूर से और चारों ओर से लोग मेरा इंटरव्यू लेने आए, दूर दूर से और चारों ओर से लोग मेरा इंटरव्यू लेने आए। तो यहाँ पे दूर दूर से और चारों ओर से, इसके लिए हमने क्या भी कीवर्ड यूज़ किया हुआ है, इसके लिए कीवर्ड है फार एंड नियर। बहुत इजी है ये, फार एंड नियर पीपल डिड कम टू मीट मी, फार एंड नियर पीपल डिड कम टू मीट मी। नेक्स्ट, किसी के बारे में बुरी बातें करना और बुराई करना मुझे पसंद नहीं है, यानी यहाँ पे बुरी बातें करना
और बुराई करना, ये दो चीज़ें आ गई। तो इसके लिए हमारे पास इंग्लिश क्या है, इसके लिए हमारे पास कीवर्ड है स्पीक इल ऑफ। जैसे जब हम किसी की तारीफ करते हैं तो स्पीक हाईली ऑफ का यूज़ करते हैं, और किसी की बुराई करते हैं तो हम यूज़ करते हैं स्पीक इल ऑफ। आई डोंट लाइक स्पीकिंग इल ऑफ एनीवन, आई डोंट लाइक दिस हैबिट स्पीकिंग इल ऑफ एनीवन। तो इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हो। और हमारा आखिरी सेंटेंस है, यही तुम्हारा सही समय है। तो ये जो आया ना, हमारा सही समय है, सही समय, तो इसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं हाई टाइम, यानी दिस इज़ योर हाई टाइम। सो दिस इज़ योर हाई टाइम गाइस, दैट यू नीड टू लर्न इंग्लिश, यू नीड टू प्रैक्टिस इंग्लिश, एंड यू नीड टू रॉक द वर्ल्ड विद द हेल्प ऑफ योर इंग्लिश। सो दीज आर द फ्रेजेज विच वी डिस्कस राइट नाउ। वी गॉट द कीवर्ड्स विच वुड रियली यू नो विच हैड हेल्प दीज हिंदी सेंटेंसेस टू गेट कन्वर्ट इन English. So I want you guys to practice all these sentences, try to speak English, pronounce words, get the meaning of it, and you will be coming out with the flying colors. So thank you so much guys, we will be meeting in the next video. Take care of yourself. Bye bye.